हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोटे से कागज़ यानी ड्राइंग पेपर में मैं महादेव जी का ड्राइंग बनाने वाला हूँ, और काफ़ी बढ़िया ये ड्राइंग बनेगा, क्योंकि आप भी इस ड्राइंग को घर पे बना सकते हो, आप बच्चों को भी सिखा सकते हो, आसानी से सिखा सकते हो। तो इसलिए मैंने आसान शब्दों में, आसान और आसान वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से पहले आप पेंसिल से ड्राइंग करने के बाद मैंने वाटर कलर लिया है, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा ऑनलाइन और बाज़ार में भी, अगर शहर में रहते हैं तो। इस तरह से थोड़ा सा पतला कलर करके इस तरह से ब्रश को ऐसे इस तरह से पॉइंट करना है जैसे लगे कि पानी के छींटे उड़े हो। इस तरह से आप इसको बैकग्राउंड को कलर कर सकते हो दोस्तों। देखिए, इस तरह से थोड़ा सा डार्क लीजिएगा। तो हमने ये बेसिक ब्लू और रखा था, तो इसलिए हमारा जो ड्राइंग वो ब्लैक होने वाला है। तो हमने जो बैकग्राउंड का कलर वो तो एकदम अच्छे से भर दिया, कर दिया। और अब बारी है हमारे महादेव जी के ड्राइंग के ऊपर, जो हमारे ब्लैक कलर से मैं सब कुछ करूंगा। तो ये मैंने ब्लैक कलर भी, वाटर कलर, ये वाटर कलर ही लिए हैं। तो आप कृपया करके वाटर कलर से बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा, और वाटर कलर से ही बनाना चाहिए ड्राइंग पेपर में। अगर देखिए, इस तरह से हम इस तरह से हाथ और शेप देंगे, और ब्लैक कलर भी बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, आप बच्चों को भी कोशिश कराइएगा। इस आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस ब्लैक कलर लीजिए और ब्लू कलर और येलो कलर, बस कोई कलर नहीं है, बस इस तरह से आप इसको मिक्स कर दीजिएगा। देखो, इस तरह से आपको थोड़ा सा हाथों से भी थोड़ा मिक्स करना चाहिए। अब हमारा त्रिशूल बनने जा रहा है। तो काफ़ी बढ़िया पेंटिंग आप घर पे अच्छी तरह से बना रहेंगे, आप सीखेंगे भी आप इस वीडियो को देखकर। इस तरह से नए नए सावन का महीना चालू है, तो हम महादेव जी की कृपा से सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो हमारा ड्राइंग कंप्लीट होने वाला है, और मैंने ये वाइट पेन लिया है। तो इस तरह से हम जो माथे का जो त्रिपुंड होता है वो भी कर लिया। इस तरह से हमारा ड्राइंग हो गया कंप्लीट, और आप देखो किस तरह से एकदम बढ़िया वाला हमारा ड्राइंग बन गया है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव मेरे दोस्तों।